अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, बहुत अच्छा लगता है। ये एक गोश्त है हमारा 1 kg, आलू है हमारे 3 मीडियम साइज़ के, हमने दो दो पीस किए हैं उसके। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 प्याली प्याज है हमारी फ्राई की हुई, 1 कप दही है, 2 टमाटर की प्यूरी है, मिक्सी में डाल के हमने प्यूरी बनाई है उसको, 2 टमाटर को, खड़े मसाले है, 3 इलायची है हरी, 2 बड़ी इलायची है, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची है, 2 दालचीनी के पीस है और 2 तेज़पत्ता है। 1 कप हमने ऑयल डाला हुआ है एक बर्तन में, हमें मसाले गरम करके इसमें अभी 1 मिनट के लिए हमने मसाले गरम किए थे खड़े मसाले, वे हमें गोश्त डालेंगे। आप मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है आलू गोश्त। कलर चेंज होने तक हम इसको पहले ना ऑयल में फ्राई करेंगे गोश्त का कलर चेंज होने तक। ये देखिए पानी छूटा है गोश्त को, पानी सूखने तक ज़रा हम इसको ऐसा ही पका लेंगे। गोश्त का पानी सूख चुका है, ऑयल अभी है, इसमें अभी हम मसाले डालेंगे। 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2-3 हरी मिर्ची बारीक कट की हुई है, 1 अदरक लहसुन के पेस्ट में हमने मसाले गोश्त को अच्छे से ज़रा फ्राई किया है फिर से। अब ये हमने जो पाउडर मसाले दिखाए थे वो हमने डाले, मसालों को भी हम अच्छे तरीके से गोश्त में ज़रा भुनेंगे। फिर प्याज फ्राई की हुई हमने डाली, मसाले भी अच्छे तरीके से गोश्त में भून चुके हैं, प्याज और टमाटर की प्यूरी, इसको भी 1 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे, प्याज को, टमाटर प्यूरी, दही को, सारे मसालों को। मीडियम फ्लेम है हमारी, अभी हम 4 गिलास पानी डाल के इसको कवर करके 1/2 घंटे के लिए 30 मिनट के लिए गला लेंगे गोश्त को। पहले हाई फ्लेम रखेंगे, जोश आने के बाद हम स्लो फ्लेम पर इसको गला लेंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से, कवर करके हम 30 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए 1/2 घंटा हो गया है, अभी हम इसमें आलू डाल के फिर से 10 मिनट के बाद इसको कवर करके पका लेंगे आलूओं को, और 1 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। क्योंकि गोश्त पक कर भी पानी कम हुआ था इसलिए और 1 गिलास हमने पानी डाला है।
फिर से हम कवर करके इसको 10 मिनट के बाद मिलते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा आलू गोश बन चुका है। अभी हम इसमें हरी धनिया, आधा नींबू का जूस और 1 टीस्पून अभी हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे। आधा टीस्पून हमने पहले डाला था, 1 टीस्पून हम इसमें फिर से डालेंगे और 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट करेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके हम 5 मिनट में इसको डिश आउट करेंगे। बहुत अच्छा लगता है गोश्त, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। अदरक हमने ऐसे काट कर रखा है, ऊपर डालेंगे गार्निश के लिए थोड़ी सी हरी धनिया। अल्लाह हाफिज़।